अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने सेवा। बिहार के मंत्री को रोके जाने को लेकर बवाल बढ़ गया है। मंत्री को अफसरों द्वारा रोके जाने और SPDM की गाड़ी को पार कराने के बाद बिहार की सत्ताधारी BJP अध्यक्ष ने बड़ा हमला बोला है। संजय जायसवाल ने कहा कि पब्लिक सर्वेंट राजतंत्र की तरह व्यवहार करते हैं। इधर मंत्री को रोके जाने और DMSP की गाड़ी के पास कराने के बाद विस अध्यक्ष ने मामले पर संज्ञान लिया है। सदन में भारी हंगामे के बाद स्पीकर विजय सिन्हा ने सभी दल के नेताओं की बैठक बुलाई। हालांकि बैठक में क्या निर्णय हुआ ये स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन जो जानकारी है उसके अनुसार अध्यक्ष ने DGP SK सिंघल और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद को शाम 5 बजे तलब किया है। दोनों अधिकारियों से इस संबंध में जानकारी ली जाएगी, उसके बाद अध्यक्ष आगे का निर्णय लेंगे। बिहार BJP अध्यक्ष ने फेसबुक पेज पर लिखा है कि मंत्री जीवेश मिश्रा के साथ विधानसभा प्रांगण में जो भी घटना घटी है उस पर मुझे पूरा विश्वास है कि विधानसभा अध्यक्ष अवश्य ही संज्ञान लेंगे। मुख्य सचिव द्वारा ये कहा जाता है कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक को करना है, पर जो अफसर सामान्य शिष्टाचार का भी पालन नहीं करते हैं उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती। IAS और IPS अधिकारी पूरे भारत में जनता एवं जनप्रतिनिधियों के साथ हर तरह के शिष्टाचार का पालन करते हैं। बिहार में कुछ अफसर पब्लिक सर्वेंट अर्थात जनता के सेवक के बदले राजतंत्र की तरह व्यवहार करते हैं। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री जी ने भी IPS प्रशिक्षुओं को ये बताया था कि उनका व्यवहार जनता एवं जनप्रतिनिधियों के प्रति कैसा होना चाहिए। विधानसभा में आज अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई। सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने प्रश्नकाल के दौरान सदन में उठकर कहा कि आज ये स्पष्ट होना चाहिए कि SPDM बड़ा या सरकार। DMSP की वजह से हमारी गाड़ी को रोक दी गई। आज सदन में सरकार क्लियर करे। मंत्री के स्वीकारोक्ति के बाद सदन में भारी बवाल हुआ। तमाम विपक्षी सदस्य मंत्री जीवेश कुमार के साथ हो गए। भाकपा माले विधायक दल के नेता ने कहा कि विधायक की पिटाई तो हो ही गई, अब मंत्रियों की पिटाई बच गया है। विपक्षी विधायक पहली बार मंत्री जो न्याय दिलाने वेल में पहुंचे। विपक्षी विधायक मंत्री के समर्थन में आ गए। राजद समेत सभी विपक्षी सदस्य वेल में पहुंचकर मंत्री जी न्याय दो का नारा बुलंद करने लगे। विपक्षी सदस्यों ने कहा कि मंत्री जी को हर हाल में न्याय मिलना चाहिए। शोरगुल कर रहे सदस्यों से अध्यक्ष ने कहा कि मंत्री जी को जरूर न्याय मिलेगा। मंत्री जीवेश कुमार ने कहा कि आज जब हम सदन आ रहे थे इस दौरान उनकी गाड़ी को रोक दी गई। कहा गया कि SPDM जा रही है इसलिए आप नहीं जा सकते। ये तो अजीब स्थिति है। वैसे DMSP को तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए। मंत्री की इस बात पर सदन में भारी हंगामा हुआ। विपक्ष पूरी तरह से मंत्री जीवेश मिश्रा के साथ खड़ा हो गया। अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि विधायकों की प्रतिष्ठा सबसे बड़ी है। सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री सदन में जवाब देंगे। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि मंत्री जी ने कहा कि विधानसभा परिसर में ये वाक्या हुआ है, ऐसे में पूरा अधिकार विधानसभा अध्यक्ष का है। आसन जो निर्णय ले सरकार इस पर तैयार है। वही मंत्री को रोके जाने का मसले पर सभी दल के नेता सदन में बोल रहे थे। इस दौरान भाकपा माले विधायक दल के नेता महबूब आलम ने मांग किया कि जिसने भी ऐसी हरकत की है उन पर सख्त कार्रवाई हो। इसी साल विधायकों की पिटाई तो हुई, अब मंत्री को भी पिटाना बच गया है। न्यूज़ 3 तक से परवेज अख्तर की रिपोर्ट।